जय श्री कृष्णा बच्चों, आज आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ 8 कक्षा 5 से। आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर 14 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, पीने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहिए। पीने के लिए कैसा पानी हमको काम में लेना चाहिए, तो इसका उत्तर है, पीने के लिए हमें साफ व मीठा पानी काम में लेना चाहिए। पीने के लिए कैसा पानी होना चाहिए, पीने के लिए हमें साफ पानी चाहिए। पानी साफ होना चाहिए और पानी मीठा भी होना चाहिए, तो पीने के लिए हमको साफ पानी व मीठा पानी काम में लेना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसका उत्तर है, हमारे गांव और आसपास कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, झीलें, ट्यूबवेल और हैंडपंप आदि स्रोत है। अगर आपके पास ये पूछा जाए कि आपके गांव और आसपास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं, तो आप क्या बताएंगे कि हमारे गांव और आसपास कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है, नदी है, झीलें हैं, ट्यूबवेल है और हैंडपम्प। ये सभी हमारे लिए पानी के स्रोत हैं, क्योंकि इन्हीं से हमको पानी मिलता है। आपको कुओं से, बावड़ी से, तालाबों से, नदियों से, झीलों से, ट्यूबवेल, इन सबसे पानी मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारे आसपास और पानी के स्रोत हैं। झील तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, झील और तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि झील तालाब का पानी दूषित होता है। झील और तालाब का पानी कैसा होता है, दूषित होता है, इसलिए इसके पानी को हम फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है। देखो, झील और पानी, तालाब का पानी कैसा होता है, दूषित। दूषित का मतलब गंदा होता है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, उसकी बराबर साफ सफाई नहीं की जाती, इसलिए पानी दूषित हो जाता है। वहाँ पे पशु पक्षी भी नहाते हैं, तो वो पानी कैसा हो जाता है, गंदा। इसलिए इसके पानी को पहले फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद वो पानी हमारे पीने योग्य हो जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, झील तालाबों का पानी किन किन कारणों से दूषित होता है। अभी हमने पढ़ा था कि झील और तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यह था कि झील तालाब का पानी दूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है, इसलिए हम उसको फिल्टर करते हैं और फिर पीने योग्य बनाते हैं। अब प्रश्न है कि वो किन किन कारणों से वो पानी दूषित होता है, तो इसका उत्तर है, झीलों तालाबों के पानी में नहाने, पशुओं के नहाने तथा कूड़ा करकट, धूल व मलमूत्र आदि के मिलने से पानी दूषित होता है। झीलों तालाबों का जो पानी होता है, वो नहाने से, पानी में जब हम नहाते हैं, या हमारे पशु, जो पशु होते हैं वो पानी में नहाते हैं, या फिर कूड़ा करकट, हमारा कचरा हम पानी में डाल देते हैं, पानी में धूल भी उड़ती है और पशु पक्षी उसमें मलमूत्र भी त्याग देते हैं कई बार, तो ये सब मिल जाने से हमारा वो पानी कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें झीलों तालाबों में पशुओं को नहीं नहलाना चाहिए, उसके अंदर कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, और ध्यान रखें कि पशु पक्षी और ये सब इसमें मलमूत्र न करें। प्रश्न संख्या 11, आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। जल का शुद्धिकरण का मतलब क्या हुआ, जल को शुद्ध करना। तो आपके घर में जल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, इसका उत्तर है, हमारे घर में जल का शुद्धिकरण कपड़े से छानकर, उबालकर तथा आरओ मशीन द्वारा किया जाता है। हमारे घर में जल का शुद्धिकरण कैसे होता है, जल को कपड़े से छाना जाता है और जल को उबाला जाता है, और आरओ मशीन द्वारा हम जल को साफ करते हैं। आरओ मशीन में पानी फिल्टर हो जाता है, और कपड़े से छान देंगे तो भी कचरा कपड़े में रह जाएगा, और पानी को उबालने से भी पानी के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो हम घर में जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, कपड़े से छानकर, उबालकर तथा आरओ मशीन द्वारा। प्रश्न संख्या 12, बावड़ियों में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती है।
जो ये बावड़ियाँ होती है इनके अंदर सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है, बावड़ियों में सीढ़ियाँ पानी तक पहुँचने के लिए बनाई जाती है। ये जो बावड़ियाँ होती है इनके अंदर सीढ़ियाँ पानी तक पहुँचने, पानी गहराई में होता है बावड़ियों में, तो आप पानी तक कैसे पहुँचोगे, उसके लिए क्या बनाई जाती है? सीढ़ियाँ। तब सीढ़ियों से उतरकर हम बावड़ी में पानी तक पहुँच सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, बावड़ियों का पानी गंदा न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बावड़ी का पानी जो गंदा हो जाता है, तो वो गंदा नहीं हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, बावड़ियों का पानी गंदा न हो इसके लिए हमें बावड़ियों के पानी में गंदगी नहीं करनी चाहिए तथा समय समय पर पानी को साफ करते रहना चाहिए। बावड़ी का पानी गंदा नहीं हो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें बावड़ी के पानी में गंदगी नहीं करनी है, उसमें पशुओं को नहीं नहलाना है, उसमें कूड़ा करकट नहीं डालना है और समय समय पर हमको पानी को साफ करते रहना है। प्रश्न संख्या 14 है, कुएं में पानी कहाँ से आता होगा? कुएं में पानी कहाँ से आता होगा? तो इसका उत्तर है, कुएं में पानी पृथ्वी के अंदर के जल स्रोतों से आता होगा। कुएं में पानी, कुएं के अंदर पानी कैसे आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि कुएं में पानी कैसे आता होगा, तो कुएं में पानी कैसे आएगा, आप भी सोचोगे कि हाँ कुआ हमेशा भरा रहता है, उसके अंदर पानी कहाँ से आता है? तो कुएं में पानी पृथ्वी यानी धरती, जो हमारी धरती है, धरती के अंदर के जो जल स्रोत हैं उनसे आता होगा। और जल स्रोत आपको मैंने बताया है, नदी, झीलें, ये सब क्या होते हैं? जल स्रोत। तो कुएं में पानी हमारी पृथ्वी यानी धरती के अंदर के जल स्रोतों से आता होगा।